नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम शिक्षा में सुनिवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में या अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड की EBS पाठ्यपुस्तक कक्षा 3 से पाठ्यक्रमांक 10 स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें पाठ को लेके आए हैं, जो कि बहुत ही रोचक पाठ है, बहुत ही रोचक कॉन्सेप्ट है। हम सभी जानते हैं कि स्वच्छ रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। इसके बारे में ही बहुत कुछ बताने का प्रयास किया जा रहा है। शरीर के अंगों के कार्यों के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही रोचक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया, बच्चे इसको बहुत ही रोचकता से ग्रहण करते हैं। हम समझते हैं कि आपने कल ये पाठ बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया। आज आप इस पाठ का पुनः अध्ययन कराना चाहते हैं, इस पाठ के आप आगे का पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि बच्चों का थोड़ा पुनः अध्ययन हो जाएगा, तो बच्चों को आप जो भी पढ़ाएंगे समझाएंगे तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पुनः अध्ययन कराने के लिए हम एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर हम कहें कि बच्चों की आप जब अटेंडेंस लगाते हो तो क्या होता है, आपने बोला रोल नंबर 1 तो बच्चा खड़ा हुआ, खड़े होते उसने यस सर यस मैम बोला और वो बैठ गया, क्या उसने कुछ नया सीखा? नहीं। बच्चे के अंदर ऊर्जा है? नहीं। रोचकता है? नहीं। बच्चों के अंदर कुछ भी नहीं रहता है। अगर बोला जाए तो बच्चे एकदम नीरस बैठे रहते हैं। हम यहां पर ऐसी बात कर रहे हैं कि हमारे नवाचार की अगर हम बात करें कि बच्चों की उपस्थिति भी दर्ज हो, बच्चों का पुनः अध्ययन भी हो और बच्चों को ऊर्जा भी, बच्चे अपने आप को महसूस, ऊर्जावान भी अपने आप को महसूस करें, तो हम यहां पर एक नवाचार की बात कर रहे हैं। हमारे नवाचार का नाम है थीम आधारित उपस्थिति, थीम वेस्ट अटेंडेंस। बहुत ही रोचक नवाचार। अगर इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो विद्यार्थी पूर्व में पढ़े हुए पाठ से संबंधित कोई एक शब्द, एक संख्या या एक वाक्य बोलकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और पुनः अध्ययन करने के लिए नवाचार बहुत ही ज्यादा उपयोगी और कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद भी रखा जा सकता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन में 20 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है। बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है, लेकिन 20 मिनट की समय अवधि जो है वो निर्धारित की गई है। इस नवाचार के क्रियान्वयन में बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों आपको जो भी उत्तर देना है खड़े होकर विनम्रतापूर्वक उत्तर देना है। इससे बच्चों के अंदर विनम्रता का गुण विकसित होता है। साथ ही अगर किसी बच्चे को उत्तर देने में समस्या है तो शिक्षक उनकी मदद करते हैं और पुनः अध्ययन करने के लिए नवाचार बहुत ज्यादा उपयोगी है। अब इस नवाचार के क्रियान्वयन में बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों कल हमने पाठ पढ़ा था स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें। इस पाठ से संबंधित बहुत से कॉन्सेप्ट थे, उसको भी बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम चाहते हैं कि इस पाठ का पुनः अध्ययन किया जाए, लेकिन एक गतिविधि के आधार पर, बहुत ही रोचक गतिविधि। क्या आप लोग करना चाहेंगे? बच्चे उत्साह के साथ जवाब देते हैं हाँ सर हम करना चाहेंगे, क्योंकि गतिविधि का नाम सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कोई खेल है। तो बच्चे को बताया जाता है कि बच्चों आपको कल स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें पाठ को पढ़ा था, समझा था, आज आपको इस पाठ से संबंधित हम आपको एक थीम देंगे। आज आपको अटेंडेंस में यस सर यस मैम नहीं बोलना है, आज आपको हम एक थीम देंगे इस पाठ से और उस थीम के आधार पर आपको जवाब देना है और अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। बहुत ही रोचक है, आपको बहुत आनंद आएगा। तो बच्चों को बताने के बाद अब बच्चे क्या करते हैं कि रोल नंबर बोला जाता है, रोल नंबर बोला जाता है और रोल नंबर बोलने के बाद बच्चे अपने स्थान पर खड़े होकर बताएंगे क्या, शरीर के अंग और उनके कार्यों के बारे में। ये आपकी थीम है, शरीर के अंग और उसके कार्य को बता के आप अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। रोल नंबर 1 हामिद, एक बच्चा खड़ा होता है सर कान, कान से हम सुनते हैं। रोल नंबर 2 अंसारी, सर जीभ, जीभ से हम स्वाद लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक बच्चा अपने रोल नंबर के बाद शरीर के अंग और उसके कार्यों को बता के अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। इस प्रकार जो बच्चा बोल रहा है उसका तो पुनः अध्ययन हो ही रहा है, लेकिन क्लास के जो पूरे बच्चे हैं, क्लास के जो बच्चे हैं वो सुन रहे हैं, उनका ही पुनः अध्ययन बहुत ही आसानी से हो रहा है। तो बहुत ही रोचक नवाचार है, बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा का विकास होता है, नई ऊर्जा का संचार होता है। तो आप इसको अपने विद्यालय में जरूर या कक्षा में जरूर क्रियान्वित करें। थीम आधारित उपस्थिति बहुत ही रोचक नवाचार। अगर इस नवाचार की हम बात करें कि हमने आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश बोर्ड की EBS पाठ्यपुस्तक कक्षा 3 से पाठ्यक्रमांक 10 स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें पाठ का पुनः अध्ययन थीम आधारित उपस्थिति नवाचार के माध्यम से किया, ऐसे दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप अपने वीडियो पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।